हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का वीडियो है अनदर डे इन माय लाइफ ब्लॉग, और ये मैं मेरा छोटा सा जो पेटियो गार्डन है वहाँ से रेड दिस लीव कट कर रही हूँ। अभी तो विंटर में यहाँ स्पेसिफिक कुछ ही प्लांट बाहर रख सकते हैं, जैसे कि रोज या मिंट ऐसा हुआ, या एल्स सब कुछ अंदर लेना पड़ता है, जैसे करी पत्ता हुआ या फिर इंडियन और कुछ प्लांट है। तो दिस वॉज द लास्ट बैच फ्रॉम माई गार्डन, एंड एक्चुअली दिस वीडियो इज फ्रॉम फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस, एंड आई डिडंट गेट चांस टू अपलोड एनी वीडियो। इट्स सुपर वीडियो विद फैमिली वाज एंजॉयिंग द हॉलीडे। तो फाइनली अभी मैं ये अपलोड कर रही हूँ, और आज फाइनली वो दिन आ गया टेकिंग आउट कैलिन्स कास्ट फ्रॉम हर ब्रोकन आर्म। तो ये सुपर बिजी मॉर्निंग है, क्योंकि आज है थर्सडे, लक्ष्मी पूजा का दिन, और फिर हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पे ये रात को मैं रोटी बना ली थी। तो ये है थर्सडे मॉर्निंग अराउंड 5:36 AM, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि ये पूजा सुबह अर्ली मॉर्निंग को ही करना रहता है, इसे मानवस्था गुरुवार कहते हैं। और आज प्रसाद में मैं कुछ स्पेशल नहीं बनाई हूँ, बस फ्रूट्स ही है। तो यहाँ पे मैं ये स्वीट पोटैटो बॉइल कर रही हूँ प्रसाद के लिए, और ये मेरा पूजा एंड प्रसाद का थाली दोनों रहती है, बस फ्रूट्स ही जितना भी था मैं ऐड की हूँ यहाँ पे आज। तो बस अभी मैं ये पूजा कर लूँगी, और लास्ट टाइम जब मैं ये मानवस्था गुरुवार का वीडियो ऐड की थी तो बहुत लोगों ने पूछा था कि आप बाहर से क्यों पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा रहता है यहाँ पे, मतलब जो झोटी भी बनाते हैं वो घर के बाहर से, हम घर के अंदर जो मंदिर रहता है उतना दूर तक बनाते हैं पूरा, और जो पूजा भी होता है वो बाहर से, मतलब घर के बाहर यहाँ से हम पूजा करके जाते हैं। मतलब ये लक्ष्मी जी को हमारे घर को वेलकम करते हैं, तो बाहर से ही पूजा कर करके हम मंदिर तक पूजा करके जाना रहता है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो बुक रहता है पूजा का, लक्ष्मी पुराण बोलते हैं, वो पढ़ना रहता है, तो मैं वही बस स्टार्ट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी छोटी वाली उठ चुकी है, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल डे रहता है, कुछ काम या ये करना पूजा रहता है, तो पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठ जाती है। और ये देखिए मुझे वही याद आ रहा है कि मैं जब इस, मतलब मैं जब ऐसे छोटी सी थी तो मेरी मम्मी जब भी पूजा करती थी मैं उठ के जाके ऐसे उसके पास में बैठ के पूजा करती थी उसके साथ, तो बिल्कुल वो ऐसे ही कर रही है फ्रेंड टू फ्रेंड। Thank you.
it, Anna? I want to do that too. Yes, next time. Well, come on, Mama, you look real good. और एक एलिन का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आज उसका हेड डे है, मतलब विंटर हेड या कुछ भी फनी हेड आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो बस वो अपना हेड पहन के उसका ऑनलाइन क्लास कर रही है। और ये बच्चों को आज ब्रेकफास्ट में मैं दे रही हूँ बैगल विथ क्रीम चीज, और प्रसाद में जो भी फ्रूट्स मैं आज दे रही वो सब दोनों को मैं शेयर कर रही हूँ। दोनों को फ्रूट्स खाना बहुत ही अच्छा लगता है। This one, what is that girl? Pomegranate. Yeah. And who loves strawberry? Who loves mango? Who loves bagel? और ये हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ओट मील। और ये दोनों बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, वो दोनों सीरियल खाते हैं लेकिन ये ओट मील इतना पसंद नहीं है। तो बस हम दोनों के लिए ये बना रही हूँ मैं। और ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आज मैं लंच बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज बहुत ही बिजी है, मतलब हमको हॉस्पिटल जाना है, केलिन का अपॉइंटमेंट है 1:30 को। तो यहाँ पे मैं ये रॉ बनाना, जो ग्रीन बनाना रहता है, उसका फ्राई बना रही हूँ। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मस्टर्ड, जीरा और हल्दी ऐड की हूँ। उसमें हम जो बनाना और पटाटो है उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्विक 5-10 मिनट, मतलब 10-15 मिनट्स लगता है। और उसको कवर करके जब तक ये थोड़ा पक जाए अच्छे से, उसको हमको कुक करना है। और फिर ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस और 1-2 मिनट ऐसे आप बिना कवर किए आप थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तो बस हो गया। फिर नेक्स्ट मैं बना रही हूँ उड़िया स्टाइल घंटा तरकारी, यानी कि मिक्स वेज करी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। तो यहाँ पे ये सारे सब्जी मैं कट कर ली हूँ, जो जैसे कि परवल, बैंगन, कैरेट, जुकीनी, पटाटो। और ये छोले जो मैं ओवरनाइट सोक कर ली थी। फिर हमें चाहिए एक बड़ा सा टमाटर, ग्रेटेड जिंजर एंड तेज पत्ता एंड थोड़ा सा सिनेमन स्टिक। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं ऑयल ऐड करके उसमें ऐड की ड्राई स्पाइसेस एंड पंचफूरन। उसके बाद जो टमाटर और ग्रेटेड जिंजर है वो ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छे से मिक्स करके हम उसमें टर्मरिक एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और वंस वो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूख चना, और उसको अच्छे से मिक्स करके हम 2-3 मिनट्स ऐसे उसको कुक करना है बस। फिर उसमें हम सारे वेजिटेबल ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहे तो और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपका पसंद रहता है, और एक्स्ट्रा आप काला चना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना वेजिटेबल था। और ये छोले मतलब मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो मैं बस ये ऐड की हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा गरम मसाला, और उसके बाद हम थोड़ा सा ही वाटर ऐड करके इसको प्रेशर कुकर में 2-3 व्हिसल आने तक कुक करेंगे। और ये आप बिना प्रेशर कुकर के मैं भी बना सकते हैं, लेकिन आज मेरा थोड़ा जल्दी था तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना ली। और ये देख सकते हैं सारा वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गया है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पटाटो मैश कर दे रही हूँ ताकि जो ग्रेवी है अच्छे से थिक हो जाए। और इसको मैं अगेन अनदर 5-10 मिनट्स ऐसे ही थोड़ा बॉईल करूँगी बिना कवर किए। तो बस ये हमारा बन के रेडी हो गया ओड़िया स्टाइल घंटा तरकारी। फिर नेक्स्ट मैं ये बना रही हूँ दही बैंगन, और उसके लिए मैं बैंगन में थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड की थी, और उसको मैं अभी डीप फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके उसको मैं दही में ऐड कर दूँगी, और इसका रेसिपी पहले से है मेरे चैनल में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अब अगर डिटेल में चाहिए तो। तो ये मैं दही में थोड़ा सा वाटर, नमक और फिर तड़का ऐड करके ये बैंगन को फिर उसमें ऐड कर दे रही हूँ। और ये बन गया हमारा दही बैंगन। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ मूली की सब्जी, यानी कि जो लीफ, जो मूली के लीफ मैं कल
कट की थी उसको मैं ऐसे चप कर ली हूँ, उसके साथ एक मूली भी कट की हूँ। तो उसके लिए हमें उसको फर्स्ट स्टीम कर देना है थोड़ा, 5-10 मिनट, बिल्कुल मतलब वाटर बहुत ही थोड़ा सा ऐड करके उसको हम स्टीम कर लेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए पीनट पेस्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं तभी मैं ली हूँ ऑयल, उसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड की और ड्राई रेड चिली ड्राई रेड चिली, और उसमें जो पीनट पेस्ट है वो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टू, और फिर नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वंस टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसमें हम जो रेडिश लीफ है वो स्टीम किया हुआ वो ऐड कर देंगे, और फिर अगेन 5-10 मिनट्स उसको कवर करके हम कुक कर देंगे। एंड दैट्स इट, मूली की सब्जी। तो यहाँ पे मेरा लंच बन के पूरा रेडी है। ये है घंटा तरकारी, फिर बनाना एंड पटाटो फ्राई, प्राउन्स, दही बैंगन, और फिर यहाँ पे मैं बनाई हूँ सिवैया, क्योंकि आज ज़्यादा मिल्क नहीं था मेरे पास तो मैं खीर नहीं बनाई, बस सिवैया बना ली। और फिर ये है मूली की सब्जी और राइस। Going to take out the cash today. Why the donkey? Yes, we'll take out the cash. Are you excited? That's the ball. Aww, that's thank the ball. You. It's paper. Okay, then you decorate there again, Anju. So beautiful. बस आज का ये लंच का थाली रेडी है। लंच करके मैं और केलिन ही बस जाएंगे हॉस्पिटल। कियाना घर में ही रहेगी अपने डैडी के साथ, और केलिना सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू, क्योंकि काश निकलने वाला है। तो बस ये अब हम निकल रहे हैं। केलिन रेडी? यस। ये वी विल टेक आउट द काश स्टॉप टुडे। आर यू एक्साइटेड बेबी? यस। यू विल स्टे एट होम विद डैडी, ओके मां? वी विल कम सून। Okay, baby? Yeah, my cutie cutie pie. Okay, let's go. So this is all for today's vlog. Next video में मैं share करूँगी hospital में कैसा था सब कुछ, मतलब how it went everything, taking out the cast and pins from her arm. So thank you for watching and see you on my next video. Till then, bye bye.